अगर आप मार्स पे नहीं रह रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, शुआ मेनिकर टू पीएसजी, इट्स अ हेयर वी गो नाउ। एंड कहीं ना कहीं सही हुई है डील, क्योंकि रियल मैड्रिड ने पीएसजी को अपनी प्लेस दिखा दी कि पैसे से दुनिया नहीं चलती, भले तुमने एमबापे रख लिया तो क्या हुआ। बास्टोनी पे नई रूमर आई कि वो यूनाइटेड जा रहे हैं, तो एक नया दिन एक और यूनाइटेड का नई लिंक। उसके अलावा रेनाटो सांचेस टू एसी मिलान, एसी मिलान टाइटल जीत के बिल्कुल भी रुकी नहीं है, और जिसने अभी तक एसी मिलान का वीडियो नहीं देखा फिर से अपना सेल्फ प्रचार कर देता हूं, जाके देख लेना। इट्स अबाउट द जर्नी ऑफ एसी मिलान फ्रॉम बैंकरप्सी टू विनिंग द ला लीगा। एंड बार्सा भी आपको पता है लेवेंडोस्की के नाम कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है, लेकिन दो छोटी मोटी चिल्ड्रन अपडेट है, तो मैंने कहा वो भी वीडियो में डाल ही दे। बिफोर वी बिगिन, वी वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर देयर कंटिन्यूड सपोर्ट टू द संडे लीग पंडित्स। वन फुटबॉल इज एन ऑल इन वन एप्लीकेशन व्हिच अलाउज यू टू cover everything in the world of football, whether it's transfer rumors, even matches. You can watch any match you want to watch from anywhere in the world, whether it's in Europe or in South America. One Football allows you not to just keep yourself up to date with transfers, but also watch matches, keep yourself up to date with the players and as well as the clubs. One Football is the go-to app for anything related to the world of football. We suggest you that you download the app using the link in the description down below. It not only helps the channel, but also keeps you up to date with the world of football on a daily basis. Finally, after 1000 takes, हमने successfully one football का integration कर दिया। चलो मुद्दे पे आते हैं, players पे आते हैं। पहले शुआ मेनी से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी डील है ये। 100 million, क्या ये price ज़्यादा है for a 22-year-old जो कि फ्रांस से आ रहा है? Yes। क्या ये price PSG ने ज़्यादा कराया है? Yes। लेकिन एक ये बात आपको इस डील से समझ में आती है कि यार जो ट्रेडिशनल क्लब्स हैं, जो ट्रेडिशनल पावर हाउस ऑफ फुटबॉल हैं, उनकी जो पुल है वो अभी भी अलग है। क्योंकि आपको पता है, सबने रिपोर्ट किया था कि PSG were offering more money than Real Madrid, PSG were offering a better contract than Real Madrid, लेकिन Real Madrid ने जब पेरिस में खेलने आई थी तब खाली ट्रॉफी जीत के नहीं गई थी, शुआमेनी के साथ पर्सनल टर्म्स भी अग्रीड कर लिए थे। एंड वहीं मतलब कह सकते हो प्लेयर की तरफ से उसका एक ही ड्रीम था टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, फिर PSG चाहे जितने भी पैसे दे दे। होपफुली एम्बापे वॉचेस दिस वीडियो एंड वॉचेस शुआमेनी व्हाट ही डिड एंड व्हाट देखो रियल मैड्रिड ने क्या अचीव करता जाके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यार एज अ फुटबॉल फैन ना, एज अ बार्सा फैन, तो मैं नहीं खुशूंगा कि शुआमेनी ऐसा प्लेयर आ रहा है उनके पास। भाई मतलब कोई और क्लब इतना ज्यादा एक्सप्रेस इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया था उसमें, वो मुझे समझ नहीं आता। हो सकता पैसा एक उसका रीजन हो, यूनाइटेड क्यों नहीं उसमें इंटरेस्ट दिखाया मुझे समझ नहीं आया। यूनाइटेड को भी एक नंबर सिक्स की जरूरत थी। अब देखो वो चलो वो तो पुरानी विसरी बात हो गई, ही इज ऑलरेडी गॉन टू रियल मैड्रिड, हेयर वी गो हो चुका है फेब्रिसियो की तरफ से। हेयर वी गो उन्होंने मेसी के लिए भी किया था, फिर मेसी PSG चला गया था, तो बहुत ज्यादा भरोसा करने वाली बात नहीं है। लेकिन ये आज न्यूज आ रही है कि कल तक कंफर्मेशन आ जाएगा, कल तक ऑफिशियल आ जाएगा रियल मैड्रिड की तरफ से कि शुआमेनी इज हेडिंग टू रियल मैड्रिड। अब देखो ये तो बात होगी ऑफ द फील्ड की, अगर ऑन द फील्ड की बात करें भाई, शुआमेनी क्या कैसेमिरो पे अपग्रेड हो सकता है इन द कमिंग टाइम? क्योंकि कैसेमिरो 29-30 का हो रहा है, शुआमेनी इज ओनली 22 एंड गोइंग बाय हिज नंबर्स ही इज वेरी सिमिलर टू कैसेमिरो, बारिंग दो शॉट्स वगैरह, उसके अलावा काफी सिमिलर है शुआमेनी एंड कैसेमिरो के स्टार्ट्स। वैसे रमोआनो को तो हमने क्रेडिट दे दिया, कायदे में हमें डेविड ऑनस्टीन को क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज़ ही वाज द वन हु एक्चुअली ब्रोक द न्यूज़ इन द फर्स्ट प्लेस। तो भाई डेविड ऑनस्टीन हमारे उभरते हुए जर्नलिस्ट आ रहे, तो उनको शाउट आउट दे रहे हैं। हमारे शाउट आउट से कुछ झाट फर्क पड़ता है, बट हम अपनी तरफ से तो देंगे। शुआमेनी की ऑन द फील्ड पे चीजों पे आओ तो भाई 100 मिलियन दिए, आई थिंक सबसे बड़ा एक जो स्टिकिंग पॉइंट है आप कह सकते हो, जो चीज स्टैंड आउट कर रही है ना कि 100 मिलियन दिए उसके लिए, तो देर विल बी प्रेशर ऑन एंचेलोटी। एंड मैड्रिड का मतलब इंटेंट इतना था कि उन्होंने PSG को तो एक तो बीट करना ही था कि दे विल वॉन्ट टू स्टार्ट हिम, क्योंकि आपने ऐसे कैमाविंगा को स्टार्ट नहीं किया, आपने साइन किया ना, आपने वेलवर्डे को साइन किया ना, आपने रॉड्रिगो विनीसियस को किया, कि आपने 45-40 मिलियन में यू नॉट इन्वेस्टेड इन द फ्यूचर, यू हैव इन्वेस्टेड इन द नाउ। तो मेरे हिसाब से तो यार वी विल सी, क्योंकि हमें भी पता है शुआमेनी कामाविंगा और वेलवर्डे का भी दे विल बी द सक्सेसर्स टू क्रूस कैसेमिरो एंड मॉड्रिच। तो मेरे को लगता है कि ये हमारे को मिडफील्ड ज्यादा दिखने लगेगा गोइंग इनटू नेक्स्ट सीजन। हमारे को इस सीजन भी दिख रहा था कि एंचेलोटी वाज शोइंग अ विलिंगनेस कि भाई वो क्रूस और मॉड्रिच को ड्रॉप कर देता है कभी कभार। कैसेमिरो बस एक उसके था कि उस पर ऑप्शन नहीं था कैसेमिरो ड्रॉप करने का, बिकॉज उसके बिना मॉड्रिच बहुत सफर करती थी। आई थिंक नाउ दे हैव दैट ऑप्शन कि दे कैन प्ले अ कम्प्लीटली अनदर मिडफील्ड जो उनको एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एक यूथफुलनेस प्रोवाइड करेगा विच जो उनको जरूरत है। इन टर्म्स ऑफ ऑन द पिच देखो तो इज अ बेटर बॉल कैरियर देन कैसेमिरो। हमने पहले भी बात करी हुई थी कि कैसेमिरो इज नॉट द बेस्ट बॉल कैरियर, कैसेमिरो इज अ वेरी क्लासिक CDM। अगर आप उसको देखो ब्रेकिंग अप द प्ले उसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मुझे लगता है शुआमेनी के आके मैड्रिड के पास एक प्रॉपर बॉल कैरियर आ गया, दे हैव अ पर्सन हु हैज अ मोर अटैकिंग थ्रेट, उसके डिफेंसिव नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, आउट एंड आउट ऑलराउंड मिडफील्ड बहुत अच्छा है। और ज्यादा यूनाइटेड की बात थी भाई, यूनाइटेड सो 100 मिलियन यूनाइटेड के पास भी नहीं है CDM पे खर्चने के लिए, इतने होते तो हम डेक्लन राइस ही खरीद लेते, सीधी सीधी बात है। तो यूनाइटेड वॉज नेवर इन द रेस, एंड आई थिंक मैड्रिड के फुटबॉल वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये एक्चुअली मूव करना, बिकॉज दे शोड कि हर जगह बस पैसे फेंक के आप अपनी नहीं चला सकते, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यूनाइटेड पे आते हैं और यूनाइटेड ने भाई बास्टोनी से लिंक हो रही है, नया दिन और नई लिंक, ये मतलब अनप्रेसिडेंटेड है, यूनाइटेड के साथ कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि हमेशा हमें लिखता है दिख रहा था कि फ्रेंकी डी योंग टिम्बर की थाली पीटे जा रहे थे हम,
बैस्टोनी से लिंक हो रहे हैं, बैस्टोनी इज बीइंग लिंक टू टॉटनम वैसे तो सबसे ज्यादा एडवांस, और टॉटनम का सेंस क्यों बनाता है भाई, एक तो पहले चैंपियंस लीग में टॉटनम, टॉटनम के पास कॉन्टे और पैरिटी चाहिए जिन्होंने उसके आप कह सकते हो सबसे ज्यादा काम कॉन्टे ने ही उस पर किया था, जो बेसिकली कह सकते हो जो उसका रिनाउंड नेम है, उसकी जो हॉट प्रोस्पेक्ट बना वो कॉन्टे के अंदर बना था एट इंटर। तो अगर आप सेंस की बात करो तो भाई सबसे ज्यादा सेंस उसका टॉटनम जाने में बनता है, उसके करियर के लिए भी और इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स एज वेल, क्योंकि वही वो बैक थ्री में ही सीधे खेलेगा, ही वोंट हैव टू प्ले इन अ डिफरेंट सिस्टम। यूनाइटेड का मैं समझ आ रहा है कि यूनाइटेड क्यों जा रही है उसके लिए, बिकॉज टिम्बर का यूनाइटेड का हर दिन कोई तीन चार दिन से अटकी हुई है, अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा ऑल द यूनाइटेड फैंस कि तीन चार दिन से टिम्बर का वही आ रहा है कि आयक्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक हिम स्टे एट द क्लब, क्योंकि वो वर्ल्ड कप जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स अ श्योर स्टार्टिंग प्लेस। तो थोड़ा बहुत डाउट आ गया उसके मूव पे लेके, इसलिए यूनाइटेड आर मूविंग फॉर बैस्टोनी। मैथ्यास डी लिट की उल्टी उड़ती न्यूज आई थी, बैस्टोनी बहुत अच्छी साइनिंग जरूर होगा, बट द ओनली थिंग इज कि ही इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम अ बैक थ्री टू अ बैक टू एंड इन अ सेंटर बैक पेयरिंग। हमारे को बैलेंस वो जरूर देगा, हमारे को बॉल कैरियंग वो जरूर देगा, मॉडर्न सेंटर बैक की जो कमी है वो बहुत अच्छी देगा, एंड आई थिंक आई कैन सी हिम पार्टनरिंग वरान वेरी वेल। मैग्वायर कितना खेलता है वो हमें पता नहीं, बट वरान का बहुत अच्छा सूटेबल पार्टनर लगता है मुझे बैस्टोनी। अभी से मैं सेलिब्रेट नहीं करने लगूंगा कि भाई बैस्टोनी आने वाला है, बैस्टोनी आने वाला है। सेंटर बैक पे थोड़ा हमारे को भी केयरफुली एज यूनाइटेड फैंस देखना पड़ेगा कि टिम्बर की डील क्यों रुक गई है, आर वी गोइंग टू साइन बैस्टोनी, आर वी गोइंग टू साइन पॉल टॉरेस, हु आर वी एक्चुअली गोइंग टू एंड अप साइनिंग, क्योंकि सेंटर बैक भी हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ वरी बन गया। एंड अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड की ज्यादा अपडेट तो आई नहीं, तो सबसे बड़ा मैं एक तरीके से अनफॉर्चुनेट चीज आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे को जो उम्मीद थी एरिक टेन हाग के आने से कि हम जल्दी जल्दी एक्ट करेंगे ट्रांसफर मार्केट में, वी आर कम टू अ स्टैंड स्टिल अगेन। मुझे लग रहा था प्रोग्रेस हो रही है, फ्रेंकी डियोंग चार हफ्ते से वही फिर वही चल रहा है, हमें लगा प्रोग्रेस हुई दो तीन दिन पहले, नाउ वी आर अगेन एट द स्टेज की बिड ही नहीं डाली अभी तक, चार हफ्ते हो गए, पर्सनल टर्म्स भी अग्री नहीं हुए, तो कब होगा मूव, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर अ प्री सीजन, प्लेयर को इंटीग्रेट करना है। सेम गोज विद आपका जूलियन टिम्बर, तीन हफ्ते पहले हमारे पर्सनल टर्म्स अग्री हो गए थे, वेयर इज द प्रोग्रेस। अगर इतना होल्ड अप है तो गो फॉर पाउ टॉरेस, गो फॉर द अदर प्लेयर यू वॉन्ट, डोंट वेट फॉर द प्लेयर, क्योंकि अगर आप प्लेयर के लिए वेट करोगे तो आप सीजन में आपको एक एवरीबडी इज मूविंग है, टॉटनम ऑलरेडी आपसे आगे बढ़ चुकी है, तो आप टॉप फोर से फिर कैसे आप अपना प्लेस वापस रीइंस्टेट करोगे। टॉटनम को टॉप फोर से अगले सीजन बाहर निकालने वाला आर्सेनल के लिए और यूनाइटेड के दोनों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है यार, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड, क्योंकि टॉटनम के आप साइनिंग्स देखो, दे आर मूविंग सो फास्ट, उन्होंने मतलब अगर वो बैस्टोनी ले आते हैं ना तो आई थिंक दे डोंट नीड एनीवेयर एल्स टू बी रियली ऑनेस्ट। एक मिडफील्डर जगह है वहां पे, एक मिडफील्डर वो लाएंगे प्रोबेबली, लेकिन अगर वो नहीं भी लाते हैं तो हॉयबर और बेंटनसूर की जो पार्टनरशिप है इज नॉट बैड भाई। बेंटनसूर जब से आया है उसने एक डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड किया है भाई, क्योंकि स्किप वगैरह बॉल पे उतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, ही वाज अ एबल सीडीएम, लेकिन अ टीम गोइंग फॉर द चैंपियंस लीग उस लेवल का प्लेयर नहीं था स्किप। बेंटनसूर इज गुड ऑन द बॉल, ही इज अ डिसेंट ड्रिबलर, टाइट स्पेसेस में भी वो भाई वो है, एक दो बार कॉट आउट हो जाता है, चुतिया पे कर देता है, लेकिन जनवरी में आके जिस हिसाब से खेल रहा था भाई बेहतरीन था। तो एक सीडीएम मतलब एक विंग बैक उन्होंने अपना लिया है, वो सेंटर बैक के लिए वो जा रहे हैं, एनी अगर सीडीएम नया है ना तो आई थिंक भाई टॉटनम को टॉप फोर से निकालना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अपफ्रंट उनके पास ऑप्शन है, अपफ्रंट अगर वो नहीं भी लाते ना प्लेयर तो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन अपफ्रंट। मूरा है उनके पास, कुलुसेवस्की है, सोन है, केन है, और अगर मैं किसी को भूल नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो टॉटनम की टीम काफी बैलेंस है। आते हैं बारसा की तरफ, क्योंकि बारसा में भाई एक और बेतुकी सी न्यूज आई है, हम जेरार्ड मोरेनो से लिंक हो रहे हैं फॉर 40 मिलियन। मतलब मैं न्यूज पढ़ते ही ये समझ गया था कि ये चूतिया न्यूज है, क्योंकि कोई सिर पैर नहीं है प्लेयर, मतलब बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई जेरार्ड मोरेनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको डिस्क्रेडिट नहीं करूँ, विलारियल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, उसके प्रेसिंग नंबर देख लो, प्रेस इनिशिएटर हो विलारियल में, और जब वो नहीं होता ना उनकी टीम में बहुत ज्यादा कमी दिखती है, ही इज अ लीडर, ही इज अ वॉरियर ऑन द पिच भाई। लेकिन क्या बार्सा को एक 30 साल का स्ट्राइकर साइन करना चाहिए 40 मिलियन में? मतलब अब नीचे कोई लेवेंडोस्की कमेंट करेगा तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो 33 का है एंड वो भी उसी प्राइस में आएगा, बट दैट इज लेवेंडोस्की। आपको पता है भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे लोग ये जो न्यूज है फर्जी है, एथलेटिको का भी इंटरेस्ट थोड़ा सा मेरे ख्याल से कहीं नहीं जा रहा है, इज गोइंग टू स्टे एट विलारियल। विलारियल चैंपियंस लीग में इन्वॉल्व नहीं है सीजन, लेकिन ऐसा नहीं विलारियल हर सीजन चैंपियंस लीग खेलता भी नहीं है, जैसे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है मोरेनो के लिए, तो ये डील में यार कोई मतलब सिर पैर है नहीं, इट्स ओनली मीडिया रूमर। एक और है डेम्बेले पे छोटा सा अपडेट है कि भाई फॉर द मोमेंट कोई क्लोज अग्रीमेंट नहीं है डेम्बेले और चेल्सी के बीच में, उनका फोकस एंकुंगू पे है, स्टर्लिंग पे है, दोनों वैसे एंकुंगू और स्टर्लिंग दोनों डील्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं एंड दे विल कॉस्ट अलॉट। एंड डेम्बेले का इंजरी रिकॉर्ड डिप्सन रिकॉर्ड लेके थोड़ी सी परेशान है, लेकिन आपको पता है टुकल कितना बड़ा फैन है डेम्बेले का, ही वॉन्ट्स डेम्बेले चेल्सी। एंड ये बात है कि भाई अगर आप एंकुंगू के लिए जाओगे तो अब टू द ट्यून्स ऑफ 80 मिलियन, स्टर्लिंग के लिए जाओगे तो 50-60 तो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, और डेम्बेले इज कमिंग ऑन अ फ्री, तो मतलब थोड़ा सा रिस्क फैक्टर देखो तो कम है डेम्बेले पे, तो ये जो रिस्क है डेम्बेले के साथ इंजरीज और डिसिप्लिन का, उसको उस पर को रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि टुकल ने पहले साथ पहले काम किया है डेम्बेले के साथ, तो एक प्रोबेबिलिटी चेल्सी है
अगर नहीं होती है तो शायद, मैं हर वीडियो में शायद ही कहता हूँ, लेकिन शायद रुक जाए बार्सिलोना में। डी मरिया पे एक और अपडेट है, डी मरिया और जुवेंटस पे कल फाइनल एक कॉल आ जाएगा कि प्रॉब्ली ही इज गोइंग टू जुवेंटस और नॉट गोइंग टू जुवेंटस। जावी भैया टेन हैग बन चुके हैं, डी मरिया को फोन उन घुमा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। एंड डी मरिया का ये है कि उसकी मतलब प्रेफरेंस है कि ही वॉन्ट्स टू प्ले इन स्पेन रादर देन प्लेइंग इन इटली, क्योंकि स्पेन आपको पता है रियल मैड्रिड के साथ खेलने भाई पहले, तो देखते हैं लुइस फिगो का उन्होंने रिवर्स खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो समय वाली बात बताएगी। लेकिन इटली की अगर बात कर रहे हैं, रिनाटो सैंचेस एसी मिलान से लिंक हो रहा है भाई, एंड फ्रैंक कैसी जा रहा है, तो दे नीड अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, दे नीड अ कंबस्टिव मिडफील्डर, एंड एक साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है उसका भाई, बहुत ज्यादा उसके पैसे नहीं लगने वाले हैं। एसी मिलान भाई यार उनका स्काउटिंग नेटवर्क जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, जिस हिसाब से इतनी जल्दी वो रिप्लेसमेंट देख रहे हैं और अपने प्लेयर जो बाहर जा रहे हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं भाई, डिजर्व्स क्रेडिट। एंड तो एसी मिलान ने अपनी नेक्स्ट सीजन की चैंपियंस लीग की तैयारी चालू कर दी, एंड होपफुली भाई अगले सीजन चैंपियंस लीग में थोड़ा दूर तक जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दे आर चैंपियंस लीग वेटरन, सेकंड दूसरी बार सबसे ज्यादा चैंपियंस लीग जीती है, पिछली बार मुझसे बाहर हो गई थी एंड आखिरी दिन पे हार के, अगर वो जीत जाते तो अंदर आ जाते, लेकिन नेक्स्ट सीजन उनको स्क्वाड थोड़ी ऐड करने की जरूरत है क्योंकि स्क्वाड अभी थोड़ा सा थिन है। एंड इफ दे मेक द राइट साइनिंग्स भाई लीग में तो है ही एक कंटेंडर, वो ऑब्वियसली चैंपियंस तो कंटेंडर होंगे ही होंगे, एंड प्रॉब्ली चैंपियंस लीग में भी थोड़ा डीप जा सकते हैं भाई। और राइट साइनिंग्स की बात करें तो भाई एसी मिलान आर एक्टिंग एज दे शुड, क्योंकि हमने आपने वीडियो भी देखा था हमारा, नहीं देखा तो तुरंत देख लो भाई, हमने पहले इंट्रो में भी कहा था अभी भी कह रहे हैं कि भाई पाओलो मेल्डिनी कमाल कर रहे हैं वहाँ पर। पहले भी कोशिश की थी एसी मिलान ने साइन करने को, जनवरी में उनका अटेम्प्ट फेल हो गई थी, बट नाउ दे आर इन एडवांस नेगोशिएशन विद रेनाटो सैंचेस, अब लगता है कि डील हो जाएगी क्योंकि स्मूथली चल रही है डील, कोई ऐसी बाधा नहीं लग रही डील के बीच में। लील प्रॉब्ली डू वॉन्ट टू सेल क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इज नॉट द बेस्ट लीग उनमें, आप लोगों को पता ही है क्लब्स की क्या हालत चल रही है, बस पेरिस के क्लब को हटा दो क्योंकि उसको पैसे की कभी कमी नहीं पड़ती, बट लील विल हैव टू सेल। एंड खाली रेनाटो सैंचेस नहीं, स्वेन बॉटमैन को भी शायद वो बेच सकते हैं लील एसी मिलान को। न्यूकासल भी टारगेट कर रही थी, यूनाइटेड भी टारगेट, मतलब इस वीडियो की ड्यूरेशन में मैंने लिंक ढूंढ ली कि यूनाइटेड भी टारगेट कर रही है स्वेन बॉटमैन को, 40-45 मिलियन को कॉस्ट करेगा, अराउंड द सेम प्राइस टिम्बर। तो मतलब यूनाइटेड सारी सेंटर बैक की, मतलब जितनी भी सेंटर बैक अवेलेबल है सबको ही एक बार, एक ना एक बार लिंक होगी, बस वही जो साइन नहीं हो सकी है। पर इस बार एसी मिलान आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द चैंपियंस लीग क्योंकि वो स्वेन बॉटमैन को भी ले आती है और वो रेनाटो सैंचेस को भी जितनी चीजें लग रही है ले ही आएगी, तो इट इज अ वेरी गुड प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग। क्योंकि आपका फ्रैंक कैसी चला गया है, आप इक्वली एनर्जेटिक मिडफील्डर लेके आए हो जिसकी अलग क्वालिटीज हैं, यू कैन प्रोवाइड अ लॉट टू योर साइड। स्वेन बॉटमैन एक बहुत अच्छा डेप्यूटी हो सकता है टू फिकायो टोमोरी, क्योंकि फिकायो टोमोरी ने जिस हिसाब से सीजन अपना फॉर्म सीमेंट किया है, ही इज गोइंग टू बी अ मेन प्लेयर फॉर देम नेक्स्ट सीजन। सेम गोज विद स्वेन बॉटमैन एज वेल दिस सीजन, और कलूलू वगैरह उनके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो उनकी ना खाली उनकी टीम फर्स्ट टीम तैयार हो रही है, उनके स्क्वाड पूरा तैयार हो रहा है, बिकॉज दे विल हैव अ लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस कमिंग इनटू द साइड एज वेल। और अगली बार उनको अगर ग्रुप अच्छा मिल गया, इतना मुश्किल ग्रुप नहीं मिला, तो दे कैन गो फार इन द चैंपियंस लीग। और स्वेन बॉटमैन मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म हेयर भी हो सकता है साइमन केयर का, साइमन केयर की एसीएल हो गई थी तो ही इज आउट फॉर लॉन्ग पीरियड, प्लस उसकी एज देखो तो वहां से उसका कमबैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पियर कलूलू एक ऑप्शन है सेंटर बैक पे, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म क्या आप उसको सेंटर बैक ऑप्शन देख रहे हो, क्योंकि ट्रेडिशनली ही वॉज अ राइट बैक, तो एक वो वाला फैक्टर भी है। तो बॉटमैन कमिंग भाई बहुत ही स्मार्ट साइनिंग है मिलान की तरफ से, एक और जितनी भी तारीफ की जाए वहाँ पे कम है। एंड नेक्स्ट सीजन यार देखते हैं मिलान क्या करती है, अपने सक्सेस को कह सकते हो अचीव तो नहीं सही टर्म होगा, लेकिन क्या उसको डिफेंड कर पाएगी यहाँ पे, क्या अपने क्राउन को डिफेंड कर पाएगी। तो बस इसी के साथ वीडियो रैप अप करते हैं। अगर आप संडे लीग वनडेज पर नए हैं प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, एंड विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।